News 18, India. 11 बजे से तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी, जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं यहां पर मौजूद हैं। आगे स्क्वाड की गाड़ी है और उसके बाद तेजस्वी यादव की गाड़ी आगे मौजूद है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी यादव के आने का। और उसके बाद देखिए, ये तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं। आगे आगे जो है उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनके जो पार्टी के विधायक MLC हैं वो मौजूद हैं। तेजस्वी यादव से अभी 11:30 बजे पूछताछ होगी। सुनील सिंह जो RJD के MLC हैं वो यहां पर मौजूद हैं। जवाना तेजस्वी यादव, मत घबराना, मेरे पीछे से जवाना। ये तमाम जो RJD के विधायक हैं, MLC हैं, वो तेजस्वी यादव के समर्थन में यहां पर नारे लगा रहे हैं। बाहर में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। तेजस्वी यादव की गाड़ी आगे बढ़ रही है और ED दफ्तर उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए, जहां पर उनके जो तमाम कार्यकर्ता समर्थक MLC वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। 50 से 60 सवालों का सामना तेजस्वी यादव को करना पड़ सकता है। ED के 12 अधिकारी हैं, दिल्ली से कुछ अधिकारी पहुंचे हैं, कुछ अधिकारी पटना के हैं, जो 8 से 10 घंटे तक तेजस्वी यादव से पूछताछ कर सकते हैं। ये तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, तेजस्वी यादव यहां पर पहुंचे हैं और जब वो अंदर दाखिल होंगे उसके बाद उनसे पूछताछ होगी। जो RJD के कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, सरकार से हटने के बाद भी उनके साथ हैं, और यही वजह है कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, विधायक पहुंचे हुए हैं। कल भी इसी तरह की तस्वीर यहां पर देखने को मिला, जब लालू यादव पहुंचे थे, और उसी तरह की तस्वीर अभी भी देखने को मिल रहा है, जहां तेजस्वी यादव अभी पहुंचे हैं। देखिए, गाड़ी से अब तेजस्वी यादव उतरेंगे और देखिए ये बाहर निकले हैं तेजस्वी यादव, और अब वो ED के दफ्तर में दाखिल होंगे, जहां 8 से 10 घंटे तक उनसे पूछताछ की जाएगी और 50 से 60 सवालों का सामना करना पड़ सकता है। लैंड फॉर जॉब का मामला है। लालू यादव जब रेल मंत्री थे, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आरोप है कि अपने परिवार के लोगों के नाम जमीन लिखाई और उसके बाद कई लोगों को नौकरी दी गई, कई लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई, और उसी मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, हेमा यादव, मीसा भारती, तेजस्वी यादव आरोपी हैं। और अभी तेजस्वी यादव यहां पर ED दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं, जिनसे ED पूछताछ करेगी। इससे पहले तेजस्वी यादव को सम्मन दिया गया था, तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे, और इसीलिए ED के अधिकारी उनके घर पहुंचकर हाथों हाथ उनको नोटिस दिया, सम्मन दिया कि वो पूछताछ के लिए शामिल हो, हाजिर हो। और आज तेजस्वी यादव, ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव ED दफ्तर में दाखिल होते हुए जाते हुए अभी यहाँ पर CRPF की तैनाती है, बिहार पुलिस की तैनाती है, और अभी तेजस्वी यादव ED दफ्तर में जाते हुए 8 से 10 घंटे तक तेजस्वी यादव से पूछताछ हो सकती है। और जिस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव अभी जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, और तेजस्वी यादव ED ऑफिस में अंदर जा चुके हैं। उनके आने से पहले जैसे ही यह खबर मिली थी, उसके बाद से नेताओं का यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। और अभी तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं,
भारी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, उनसे पूछताछ शुरू होने वाली है। तो तेजस्वी यादव, उनके परिवार और जो उनके तमाम पार्टी के नेता हैं, इनके लिए बड़ी संकट की घड़ी है। पहले उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर सरकार चली गई, उसके बाद कल लालू यादव यहां पर पहुंचे थे जहां उनसे 10 घंटे तक पूछताछ हुई, और अभी एक बार तेजस्वी यादव पहुंचे हैं ईडी दफ्तर में जहां उनसे 8 से 10 घंटे तक पूछताछ हो सकती है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं भारी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं। सीआरपीएफ के जवान अंदर में मौजूद हैं, बाहर में बिहार पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं। लोगों को यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं वो यहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए बाहर में किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने बढ़ते भीड़ को देखते हुए यह कहा था कि कार्यकर्ता अगर ना पहुंचे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बावजूद इसके भारी संख्या में यहां पर नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं गाड़ी बाहर लगी हुई है और तेजस्वी यादव अंदर दाखिल हो चुके हैं, और बस अब चंद मिनट में तेजस्वी यादव से पूछताछ शुरू हो जाएगी ईडी के दफ्तर में अंदर में। तो ईडी दफ्तर से लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी चंद्रमोहन आप तक पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और कुछ ही देर में उनसे अब सवाल जवाब किए जाएंगे। लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला जिसमें लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लालू प्रसाद यादव से कल पूछताछ हुई थी, आज तेजस्वी का उन सवालों से आमना सामना होगा। 50 से 60 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है जिनका जवाब तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा। लगातार कार्यकर्ता भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। जैसी तस्वीर कल सामने आई थी वैसी ही तस्वीरें एक बार फिर देखने को मिल रही है। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम किए गए, लेकिन भारी तादाद में आरजेडी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। जैसे ही तेजस्वी यादव के आने की उन्हें जानकारी थी वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। तेजस्वी ने हालांकि कहा भी था कि यहाँ अगर कार्यकर्ता ना आए तो बेहतर होगा, लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ पर समर्थकों का कार्यकर्ताओं का हुजूम है। ईडी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव से आज पूछताछ होनी है, कुछ ही देर में सवाल जवाब उनसे शुरू कर दिए जाएंगे क्योंकि दफ्तर के अंदर वो दाखिल हो चुके हैं। लालू यादव से कल सवाल पूछे गए थे और लालू परिवार के बाकी सदस्यों को भी समन्स जारी किए जा चुके हैं इस मामले को लेकर। तो पहले सत्ता गई और अब ईडी का शिकंजा या कसता हुआ लालू परिवार पर नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव जिन्होंने ये कहा कि 17 साल की सरकार के बनाम हमारे 17 महीने की सरकार रही, हमने ज्यादा काम करके दिया, हमने रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उसके सरकार के जाते ही आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। ईडी दफ्तर के बाहर आप देखिए तस्वीरों में आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी है। सीधे मैं चंद्रमोहन का रुख करूंगी। चंद्रमोहन, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है। कार्यकर्ता इस उम्मीद से यहाँ पहुंचे हुए हैं कि तेजस्वी आरजेडी का भविष्य है और इस लिहाज से वो हर कदम पे तेजस्वी यादव के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जब सवाल जवाब होंगे वही दाग फिर से लगेगा जो पीछा नहीं छोड़ता है लालू प्रसाद यादव का। बिल्कुल, देखिए, और उससे पहले आपको एक अपडेट दे दें, तेजस्वी यादव से पूछताछ शुरू हो चुकी है। ये जो बिल्डिंग है उसके सेकेंड फ्लोर पर जो ईडी के तमाम अधिकारी दिल्ली से आए थे, पटना से मौजूद थे, उन लोगों ने पूछताछ शुरू कर दी है सेकेंड फ्लोर पर। कल भी लालू यादव से 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 8 से 10 घंटे तक तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हो सकती है। 50 से 60 वैसे सवाल हैं जिसका सामना तेजस्वी यादव को करना होगा। इनसे ईडी जो तैयार की है सवालों की फहरिस्त, उसमें ये पूछा जाएगा कि तेजस्वी यादव के नाम पर ये जमीन कैसे आया, फिर उन्हीं लोगों के परिवार के लोगों को नौकरी दे दी गई जिनके परिवार से जमीन ली गई। साथ ही जो जिस कंपनी में तेजस्वी यादव डायरेक्टर थे, जैसे ही ये डायरेक्टर बने उसके कुछ ही दिन बाद जिसके नाम से कंपनी रजिस्टर था, जिसने कंपनी बनाई थी, उन लोगों ने रिजाइन कर दी, आखिर क्या वजह थी। और हृदयानंद चौधरी जिनसे पहले ईडी और सीबीआई की टीम पूछताछ कर चुकी है, उनसे जो जानकारी मिली है
उनके से भी जुड़े हुए सवाल तेजस्वी यादव से पूछे जाएंगे। तेजस्वी यादव से ईडी ये भी पूछ सकती है कि हृदयानंद चौधरी उनके संपर्क में कैसे आए थे, इतनी जमीन दानापुर के रहने वाले लोगों को रेलवे में नौकरी दे दी गई जब लालू यादव रेल मंत्री बने थे और उन्हीं के परिवार के लोगों से जमीन निकाली गई, आखिर ये कैसे हुआ, आखिर कौन मध्यस्थता की, इन सभी सवालों का जवाब तेजस्वी यादव से आज ईडी करेगी। और कल 50 सवाल लालू यादव से किए गए थे जिसमें 27 ऐसे सवाल थे जिसका जवाब लालू यादव हाँ या ना में तो दिया, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जब ईडी ने उनसे पूछा तो वो झल्ला गए, बीच बीच में उन्होंने असहज महसूस किया तो उस समय इसी हॉल में लालू यादव घूमते रहे। मीसा भारती कई बार गई यहाँ लालू यादव से मिलने के लिए, मिलकर बाहर निकली और उस दौरान उनसे पूछताछ होती रही, तो 10 घंटे तक लालू यादव से कल पूछताछ हुई थी। बिल्कुल चंद्रमोहन, जो आप बात बता रहे हैं लालू ने जो सवालों के जवाब नहीं दिए वही आधार रहने वाला है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं आरजेडी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश है। बिल्कुल, और यही वजह है कि भारी संख्या में यहाँ पर जो आरजेडी के विधायक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुँचे हुए हैं। तस्वीर एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, देखिए किस तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है पार्टी की तरफ से, यह दिखाने की और जताने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी एकजुट है, एकजुट है। भले ही इससे पहले वो सरकार में थे, सरकार से हटने के बाद ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन जो आरजेडी है वो बिल्कुल एकजुट है और उसी को दिखाने और बताने की कोशिश की गई है। और शायद यही वजह है कि जो ये तमाम कार्यकर्ता हैं अभी भी ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, अंदर में तेजस्वी यादव से पूछताछ शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पर जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जो आरजेडी के विधायक हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं, वो अभी भी यहीं पर बाहर में डटे हुए हैं। कल भी मीसा भारती कल यहाँ पर बैठी हुई थी, तकरीबन 10 घंटे तक मीसा भारती बैठी रही, जो तमाम विधायक हैं यहाँ पर पहुँचे थे सुबह में वो भी बैठे रहे, सुदय जी हैं ये भी कल सुबह से इंतज़ार करते रहे लालू यादव के आने से पहले से, और एक बार फिर ये पहुँच चुके हैं। कब तक इंतज़ार करना होगा? देख लीजिए, हम लोग तो भाई माने वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, और अपने नेता के सम्मान में हम लोग मतलब 24 आवर्स हैं। जिस तरह ईडी के अधिकारियों के द्वारा मतलब परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके पास कोई सवाल नहीं है, कोई पूछताछ भी नहीं होती है, सिर्फ आपके चैनल में और प्रिंट मीडिया में। हम आज सुबह ही उठे हैं तो देखे हैं कि से 10 घंटे की पूछताछ हुई सिर्फ इसी के लिए। 10 घंटे तो आप भी बैठे रहे, पूछताछ चल रही थी, ये तो आपके सामने ही हुआ। पूछताछ नहीं चल रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए अपने आला नेताओं को, ये तो खुद अपने आप को असहज महसूस करते हैं भाई, ये लोग खुद परेशान हैं। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि लालू यादव कल असहज महसूस कर रहे थे जब पूछताछ हो रही थी तब, क्योंकि उनके ऊपर सीधे आरोप है कि उन्होंने घोटाला किया है। आप यही थे जब लालू यादव निकले थे तो उनके चेहरे पे मुस्कान था, किसी भी तरह का कोई थकान नहीं था, इसीलिए वही देख करके लोग समझ रहा है कि लालू यादव से कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई है। लेकिन लालू परिवार का तो परेशानी बड़ा हुआ है ना, अभी है भाई ना, क्योंकि बिहार की जनता लालू यादव तेजस्वी यादव को अपने बीच देखना चाहती है, ये नहीं कि किसी कार्यालय में बंद देखना चाहती है, बैठा करके उनको चाय पिलाइए, उनका हाल चाल पूछिए। आरोप तो गंभीर है, ये मानते हैं ना? नहीं, नहीं, आरोप कोई गंभीर नहीं है। आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हम लोग जाने हैं कि लगभग 6000 मुकदमे किए हैं पूरे देश में ईडी ने, और उसका रिजल्ट क्या है, 24, यही रिजल्ट है ना, 6000 लगभग मुकदमे हुए जिसका परिणाम 24 है। कब तक इंतजार कीजिएगा यहाँ पर? जब तक हमारे आदरणीय नेता बाहर नहीं आ जाते हैं और इस देश को न्याय नहीं मिल जाता है, गरीब गुरबा जनता की आवाज जो बने हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद। आरोप तो ये लगा है कि लालू यादव सिर्फ अपने परिवार के लोगों का न्याय किए हैं। एक चीज सुनिए, परिवार बात क्या है, अमित शाह जो देश का गृह मंत्री है, अमित शाह का बेटा जो जय शाह, आप ये बताइए ना कि लालू यादव के ऊपर जो आरोप है उन्होंने अपने परिवार की भलाई की है, आपके नाम से क्यों नहीं जमीन कर दी गई जब वो रेल मंत्री थे तब? किसी के नाम से जमीन नहीं खरीदी गई है, ये सारा पब्लिक डोमेन में है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आरोप बहुत गंभीर है लालू परिवार के ऊपर। एक मिनट बता रहे हैं आपको।